أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يارب بچو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم علمني الكتاب والحساب اللهم ذكرني منهما نسيت وعلمني منهما جهلت اللهم خذ بيدك پھر بچہ آج ہم لوگ کیمسٹری 10th کلاس چیپٹر نمبر 7 انوائرمنٹل کیمسٹری 2 کا اور جس میں ہم واٹر ڈسکس کر رہے ہیں اس کا لیکچر نمبر 5 آج ہم جو ہے اسے سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اور آج کے اس لیکچر میں ہم لوگ واٹر پولوشن کی بات کریں گے واٹر پولوشن کی ڈیفینیشن کیا اگر کوئی بتانا چاہے تو مجھے بڑی خوشی ہوگی واٹر پولوشن دی ایڈیشن آف اے سبسٹانس to water, ठीक है? It is the addition of a substance to water which harms the human beings, animals and plants. It's called pollution of water or water pollution. Addition किसी चीज का, किसी मादे का in the water that causes harm, that is harmful for the environment, the human beings, ठीक है? प्लांट्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स इट इज कॉल्ड द वाटर पोल्यूशन वाटर पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं दो सब्सटेंसेस विच कॉज द पोल्यूशन ऑफ वाटर आर कॉल्ड पोल्यूटेंट्स वाटर इज वेरी गुड एट डिजॉल्विंग सब्सटेंसेस ये तो सबको पता है ना तो ये फिर अच्छी चीजों को भी डिजॉल्व कर लेता है मतलब मैंने पहले बताया था आपको कि ये दो वजूहात के बेसिस पे चीजों को अपने अंदर डिजॉल्व करता है एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग और दूसरा हाइड्रेशन या डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन की वजह से So this is due to the polarity of water molecules and the ability of its molecule to form the hydrogen bond. दो वजूहात यहाँ पे लिखी हुई हैं. As water from rain, as water from rain and snow flows over rocks and through soil, it dissolves minerals. The fresh water we drink or use for our daily life processes is a dilute solution containing a number of minerals. बात समझ आई है? कि जो पानी है बारिश का या बर्फ का बर्फ पिघलेगी तो पानी बनाएगी. जब वो बहता है किस पर से चट्टानों पर से सॉयल मिट्टी पर से तो उस बहाव के दौरान वो अपने अंदर हल कर लेता है किसको बहुत सारी मादनियात को बहुत सारे सॉल्ट्स को द फ्रेश वाटर वी ड्रिंक आर यूज फॉर आवर डेली लाइफ प्रोसेसेस वो 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 ताजा पानी जो हम इस्तेमाल करते हैं अपने रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए इज ए डाइल्यूट सोल्यूशन कंटेनिंग वो एक सोल्यूशन है वो प्योर वाटर नहीं है जिसमें मौजूद होती है मिनरल्स मादनियात When these minerals are insufficient concentration, जब ये मादनियात एक अच्छी खासी मकदार में मौजूद होती है water becomes unfit for human use. खाने का नमक भी एक खास हद से बढ़ जाए तो पीने का पानी unfit for use होता है पीने के काबिल नहीं होता समुद्री पानी क्यों नहीं है पीने के काबिल उसमें minerals बहुत ज्यादा है और खाने का नमक की quantity बहुत ज्यादा चले आगे कड़वा इसलिए होता है वो तो मैनी ह्यूमन एक्टिविटीज ऑल्सो रिजल्ट इन द कॉन्टेमिनेशन ऑफ द सर्फेस एंड ग्राउंड वाटर बहुत सारी इंसानों की सरगर्मियां या इंसानों के जो करतूत हैं ऑल्सो रिजल्ट इन कॉन्टेमिनेशन ऑफ द सर्फेस एंड ग्राउंड वाटर उनकी वजह से या वो पैदा करती हैं क्या पैदा करती हैं कॉन्टेमिनेशन आलूदगी पैदा करती हैं जहरीला कर देती हैं किसको सतह और सतह के नीचे के पानी को सुन रहे हो जमीन के ऊपर और उसके अंदर के पानी को सेवरल फॉर्म्स ऑफ पोल्यूटेंट्स अफेक्ट वाटर बॉडीज कई इकसाम के पोल्यूटेंट्स हैं जो असर डालते हैं पानी के जखायर पर या ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज हाउस होल्ड वेस्ट समझ आए दीज आर द पोल्यूटेंट्स ये सोर्सेज हैं उनके पोल्यूटेंट्स के तो ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज ये ह्यूमन एक्टिविटीज की बेसिस के ऊपर ठीक है या ये कह दिया जाए कि पोल्यूटेंट्स फ्रॉम द ह्यूमन साइड इंसान कौन से पोल्यूटेंट्स जो है वो वाटर में मिला रहे हैं तो ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज हाउस होल्ड वेस्ट एग्रीकल्चरल वेस्ट लाइफ स्टॉक वेस्ट पेस्टिसाइड्स ऑयल लीक्स बाकत आपको पता है कि जो ऑयल है पेट्रोल है एक मुल्क से दूसरे मुल्क में विद द हेल्प ऑफ बैरी जहाज भेजा जाता है शिप के जरिए से भेजा जाता है
नहीं समझ आया। अब वो जो शिप है, अगर कोई हादसा हो जाए समंदर के अंदर तो सारा ऑयल क्या हो जाएगा समंदर में, और वहाँ पे जो मछलियाँ मौजूद हैं उनका क्या हो जाएगा? सॉयल लीक्स, डिटर्जेंट्स, सेप्टिक टैंक। सेप्टिक टैंक्स क्या होते हैं पता? लाइफ स्टॉक वेस्ट का तो पता है ना, लाइफ स्टॉक वेस्ट क्या होता है? लाइफ स्टॉक वेस्ट बेटे, आपने अगर डेयरी, मतलब आपने भैंसें गायें और बकरियां शकरियां रखी है ना, माल मवेशी का फुजला, लाइफ स्टॉक वेस्ट। क्या कहा मैंने? लाइफ स्टॉक वेस्ट क्या होता है? ये आपके जानवरों का फुजला, लाइफ स्टॉक, ठीक है। एनी एनिमल केप्ट फॉर द यूज आर प्रॉफिट इज कंसीडर्ड इन लाइफ स्टॉक। सुन रहे हो? लाइफ स्टॉक कोई जिंदा चीज है जिसको स्टॉक में रखा हुआ फॉर द बेनिफिट, फॉर द प्रॉफिट, फॉर द यूज। तो लाइफ स्टॉक वेस्ट क्या है जी? इट इज द वेस्ट ऑफ व्हाट? मवेशियों का फुजला। क्लियर हो गए? नेक्स्ट, ऑयल लीक समझ आ गया। पेस्टिसाइड्स क्या होती हैं? बोलो भाई, पेस्टिसाइड्स क्या होती हैं? ये वो कीड़े होते हैं जो आपके फायदे की चीजों को नुकसान पहुंचाते हैं। दीमक पेस्ट में शामिल है जो आपके फर्नीचर को नुकसान पहुंचाती है, और वो कीड़े जो आपकी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, मैक्सिमम लोग उनको पेस्ट में गिनते हैं, पेस्ट। वो बड़ाबादिन यूनिवर्सिटी, तो मेरे टीचर ने इस डेफिनेशन को थोड़ा सा ब्रॉड करके बताया था, अल्लाह उनको बहुत तरक्कियां दे। तो उन्होंने बताया था कि बच्चे ये जो कोई भी कीड़ा जो किसको नुकसान पहुंचाता है, फसलों को, दैट इज कॉल्ड व्हाट? दैट इज कॉल्ड द पेस्ट। उसे हम पेस्ट कहते हैं, ठीक है जी। तो जो पेस्ट हैं, यहां से भी देख लेते हैं, फैलने वाली तौम की बीमारी, बेस्ट मुजीम खतरनाक, ये कीड़े। एनी अनवांटेड एंड डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट, एक तो चाहत के खिलाफ और दूसरा नुकसान पहुंचाने वाला कीड़ा या अदर एनिमल दैट अटैक्स फूड और क्रॉप्स और लाइफ स्टॉक। समझ आ गया? दैट इज कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड द बेस्ट। सो जनाबे अली, डिटर्जेंट्स हैं, सेप्टिक टैंक्स क्या होते हैं? सेप्टिक टैंक्स जहां पे बेटा, जिन इलाकों में, जिन इलाकों के पास नदी नाले नहीं गुजरते, या मालाडोर में तो आपका जितना भी फुजला वो सारा दरिया से वहां में बाहर है ना, पाइपों के जरिए से जा रहा है। लेकिन गांव में क्या करते हैं बता आपको? जब लैट्रिन बनाते हैं गांव में तो क्या करते हैं? लैट्रिन क्यों कह रहा हूं, वॉशरूम जब बनाते हैं गांव में तो क्या करते हैं? एक बड़ा सा खड्डा खोदते हैं जमीन में, काफी बड़ा सा, जैसे आपकी टंकियां नहीं होती पानी की, गांव में तो पानी फ्रेश अवेलेबल होता है, जमीन में वो बड़ा खड्डा खोदते हैं और उसको अंदर उसके दीवारें बनाते हैं, मतलब बाकायदा तौर पर, और फिर ऊपर से उसको डाल देते हैं और सारा गंद उसके अंदर डालते हैं। समझ आया? नहीं आया? और नीचे से वो कीड़े मकोड़े जो गंद अंदर होते हैं उसको खा जाते हैं, और कभी कभी अगर वो भर भी जाए ना तो पानी पर नाल बहाते हैं। समझ आया? नहीं है? उसे कहते हैं सेप्टिक टैंक। कौन सा टैंक? सेप्टिक टैंक। अब समझ आया? नहीं है? फुजले को ठिकाने लगाने का टैंक। पेट्रोलियम नेचुरल गैस प्रोडक्शन में रिजल्ट इन द कॉन्टेमिनेशन ऑफ वाटर। अब नेचुरल गैस कैसे प्रोड्यूस की? नियाजिया में मैंने सुना कुछ लोग भैंसों के फुजले से नेचुरल गैस पैदा करते हैं, नहीं पता। नाइन्थ क्लास में मैंने बताया था कि वो बड़े बड़े ना जमीन में खड्डे खोद कर उनके अंदर भैंसों का गोबर डाल दिया, या गाय का खासतौर पर गोबर डाल दिया जाता, ठीक है,
फिर उसको ऊपर से एयर टाइट बंद कर दिया जाता है। तो और जनाब जी डीकम्पोजिशन जब होगी ना गोबर की, तो उससे कौन सी गैस बनेगी? CH4। उसे बाहर निकालिए और चूल्हे में जला लीजिए। तो वो जो प्रोडक्शन है किसकी? नेचुरल गैस की, बाय द वेस्ट ऑफ लाइफ स्टॉक, ऑल्सो कॉजेज द कॉन्टेमिनेशन ऑफ द ग्राउंड वाटर। सुन रहे हो? तो कितनी उन्होंने आपको आपको पोल्यूडेंट्स बता दिए हैं, एग्रीकल्चरल वेस्ट। अब एग्रीकल्चरल वेस्ट क्या जी? खादे नहीं डालते हैं पानी में पौधों को, सॉरी फसलों को, तो बाग अगर सैलाब आ जाए तो वो खादे भी सादी बह जाती है। तो हाउस होल्ड वेस्ट है, एग्रीकल्चरल वेस्ट है, लाइफ स्टॉक वेस्ट है, पेस्टिसाइड्स हैं, ऑयल लीक्स हैं, डिटर्जेंट्स हैं, सेप्टिक टैंक्स हैं, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस प्रोडक्शन मे बी रिजल्ट या मे रिजल्ट इन द कॉन्टेमिनेशन ऑफ द वाटर बॉडीज। वी विल डिस्कस अबाउट हाउस होल्ड वेस्ट एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट इन दिस यूनिट। हम दो को डिस्कस करेंगे एंड यू विल लर्न अबाउट अदर टाइप्स ऑफ वेस्ट इन द हायर क्लासेस, इन द हायर ग्रेड्स। ओके जी। सो हाउस होल्ड वेस्ट क्या है जी? जब आप घर में बर्तन धोते हैं तो लेमन मैक्स चकाचक सफाई करने वाला, वो जो साबुन होता है किधर जाता है? दरियाओं समुद्रों में। हाँ, ऐसे ही है। हमारा अपना फजला किधर जाता है? दरियाओं समुद्रों में। हमारे माल मवेशी का फजला पानी के जरिए से कहाँ जा रहा है? उसमें सोप भी है, उसमें डिटर्जेंट्स भी हैं, उसमें पेंट्स ऑयल्स भी हैं, उसमें फूड वेजिटेबल्स का वेस्ट भी है, उसमें गार्बेज भी, सब कुछ बाहर है। थैंक। तो हाउस होल्ड वेस्ट इंक्लूड, अगर तो मैं आपको ये कहूँ ना, इंक्लूड लिख के इनकी इसकी लिस्ट बना लो। क्या बना लो? जानते हो लिस्ट? इसकी लिस्ट बना लो और मुझे शाम तक दो ना इसकी लिस्ट बना के, ताकि मेरी स्लाइड्स भी अच्छी लगे। तो क्या ह्यूमन वेस्ट? इंसानी फजला। लाइफ स्टॉक वेस्ट? मवेशियों का फजला। सोप, साबुन, डिटर्जेंट्स, पेंट्स एंड ऑयल्स, फूड। एंड आप पेंट करते हैं तो हाथ उधर ही धो रहे हैं, जरा भाव कोई मसला नहीं है। जानवरों ने मरना और उससे आपकी लाइफ कितनी डिस्टर्ब होगी आपको नहीं पता। हम दूसरे की लाइफ डिस्टर्ब कर रहे होते हैं कि सोचे बगैर कि इसकी लाइफ और मेरी लाइफ डिपेंडेंट है। वी आर नॉट थिंकिंग लाइक दैट। सो अदर डिटर्जेंट्स हैव स्ट्रॉन्ग क्लीनिंग एक्शन। हमें ये तो पता कि जो डिटर्जेंट्स है वो सफाई अच्छी करते हैं दंदा सोप साबुन से, बट दे रिमेन इन द वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम। वो पानी में काफी अरसे तक रहते हैं एंड मेक वाटर अनफिट फॉर द एक्वेटिक लाइफ। और पानी को काबिल नहीं रहने देते। किसके लिए? आपकी जिंदगी के लिए। व्हेन हाउस होल्ड वाटर कंटेनिंग द डिटर्जेंट इज डिस्चार्ज इन द लेक्स, पाउंड्स, रिवर्स। अब आवाज समझ आ रही है? व्हेन द हाउस होल्ड वाटर, जब घरेलू पानी जो है, जो वेस्ट वाटर है जिसमें डिटर्जेंट्स होते हैं, जब हम उसे डिस्चार्ज कर देते हैं, छोड़ देते हैं, खारिज कर देते हैं इन लेक्स, झीलों में, पाउंड्स, जो आपके जोहड़ होते हैं जहाँ बहुत सारा पानी, पूरे गांव का पानी इकट्ठा, कभी गांव में जाओ ना तो वहाँ छप्पड़ होता है, हम लोग छप्पड़ गाते हैं। सो हमारे गांव में हम एक बड़ा सा खड्डा होता है, उसको गंदा करते हैं सारे, उस गंदा पानी सारा उसमें में डालते हैं। तो जनाब पाउंड्स मतलब ये वो हॉज नहीं है जो आपके स्विमिंग पूल्स हैं, आई हैव अ पाउंड इन माय हाउस, वो हॉज नहीं है, ये गंदे पानी का हॉज। रिवर्स दरियाओं में, इट कॉजेज डेथ ऑफ एक्वेटिक लाइफ, ये मौत देता है किसको? ये बायस बन जाता है मौत ऑफ एक्वेटिक लाइफ ऑफ मखलूक की। केमिकल्स एंड बैक्टीरियल, केमिकल एंड बैक्टीरियल कॉन्टेंट इन द हाउस होल्ड वेस्ट कैन कॉन्टामिनेट सरफेस एंड सरफेस एंड ग्राउंड वाटर। ये तो मेरा जिसे कहते हैं ना सेल्फ एक्सपीरियंस, एक चीज़ है कि मेरी मेरे जो नानके हैं, जो नानी का गांव है, नानी के घर के बिल्कुल सामने ये छप्पड़ है, बहुत बड़ा, क्योंकि वो जो छप्पड़ का पानी है ना आस्ता आस्ता ज़मीन में अब्जॉर्ब होगा, होता नहीं होता, ओके हो ओके हो ओके। तो जो नानी के घर में था ना नलका, उसके पानी से भी वही बू आती थी जो छप्पड़ के पानी से बू आती थी, पानी इतना नीचे सराहियत कर गया था। अब उन लोगों ने क्या किया, पहले अगर वो 25 फुट पे पंजाब में 20 फुट पे पानी निकलता था, तो 25 फुट पे अगर पानी निकलता था तो अब वो 200 फुट पे जाकर पानी निकाल रहे हैं, क्योंकि जो 25 फुट वाला पानी है वो कॉन्टामिनेट हो चुका। वो क्या हो चुका? वो पानी जो है उसके अंदर वो जो छप्पड़ वाला पानी है ना, वेस्ट वाटर जो है वो मिल चुका।
तो सुदेव फॉर दे आर डिगिंग मोर एंड मोर, वो ज्यादा खुदाई कर रहे हैं पानी निकालने के लिए, तो कंटेमिनेटेड वाटर पीने को ना मिले। हम यहां से जाते थे हम वो पानी नहीं पी सकते, समझ आए? सो ये जो वाटर है तो केमिकल एंड बैक्टीरियल, आपको पता है जो पोलियो का वायरस है तो भी आपके फुजले में होता है, किसमें होता है? अगर यही फुजले वाला पानी को बच्चा को बूढ़ा कोई भी पी ले, खासतौर पर 5 साल से कम उम्र का बच्चा, तो क्या होगा? बेचारे को पोलियो होने का खतरा। तो केमिकल एंड बैक्टीरियल कॉन्टेंट इन द हाउस होल्ड वाटर कैन कॉन्टेमिनेट सर्विस एंड ग्राउंड वाटर। बैक्टीरियल कॉन्टेंट मे कॉज इन्फेक्शियस डिजीजेस। बैक्टीरियल कॉन्टेंट जो है वो हो सकता है ऐसी बीमारियां लगा दे जो एक से दूसरे को फैले, सच एज कॉलेरा, जैसा कि हैज़ा, जॉइंडिस, इरकान, टाइफाइड, बड़ा बुखार जिसे कहते हैं जिसमें पेट की अंतड़ियाँ, समझ आए, गलने सड़ने लगती है, डायसेंट्री पीचेस, समझ आया नहीं यार? तो इससे डिहाइड्रेशन हो जाती है। इंडस्ट्रियल वेस्ट, तो हाउस होल्ड वेस्ट में समझ आ गया, हाउस होल्ड वेस्ट में कौन कौन से पोल्यूटेंट हैं, ठीक है? ठीक है, पोल्यूटेंट्स इन द हाउस होल्ड वेस्ट आप लिख दीजिएगा, फिर उसके बाद बताइएगा कि व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ हाउस होल्ड वेस्ट, हार्मफुल इफेक्ट्स क्या हैं। तो फिर ये कहना कि डिटर्जेंट्स जो है उनका क्लीनिंग एक्शन अच्छा होता है लेकिन वो पानी में रखकर एक्वेटिक लाइफ को अनफिट बना देते हैं। फिर जी इसके अंदर डिटर्जेंट्स जो होते हैं वो डाल दिए जाते हैं किसके अंदर जी, लेक्स के अंदर, पॉन्ड्स के अंदर, रिवर्स के अंदर, और वो एक्वेटिक लाइफ की मौत का बायस बनते हैं। केमिकल एंड बैक्टीरियल कॉन्टेंट्स इन द हाउस होल्ड वेस्ट क्या कर सकते हैं, कैन कॉज, बस ये कहना, कैन कॉज इन्फेक्शियस डिजीजेस सच एज कोलेरा, जॉन्डिस, टाइफाइड, डायसेंट्री, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। इंडस्ट्रियल वेस्ट, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स इज ऑलवेज अकंपनीड बाय सम बाय प्रोडक्ट्स एंड द वेस्ट एफ्लुएंट्स। सुन रहे हो कि जो आप चीजें बना रहे हैं, चमड़े की फैक्ट्री है ना, आप चले जाएं सरां से यामा चौक से नीचे जाएं तो एक चमड़े की फैक्ट्री है, इतनी गंदी बू आती है ना यहाँ से, क्या बताऊं। तो चमड़े की जब धुलाई होती है ना तो धुलाई के लिए कुछ सॉल्ट्स यूज होते हैं और वो सॉल्ट्स कार्सिनोजेनिक एजेंट्स हैं, वो छुड़ जा रहे हैं अंदर हवा में बगैर उनको कन्वर्ट किए ऐसे सब्सटेंसेस में जो कि नुकसानदेह नहीं है, हार्मफुल नहीं है। तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जो सनती एशिया की तैयारी है इज ऑलवेज अकंपनीड, हमेशा चीजें तैयार होती हैं और उनके साथ ही साथ आपको कुछ बाय प्रोडक्ट भी मिलते हैं एंड वेस्ट एफ्लुएंट्स, और साथ ही साथ क्या होता है वेस्ट का मतलब क्या, हाँ, फासित मादा, एफ्लुएंट कहते हैं जो चीज खारिज होगी, वेस्ट एफ्लुएंट्स। मतलब वेस्ट एफ्लुएंट का मतलब ऐसे वो चीज होती है जो खारिज हो रही होती है किसी होल से, दैट इज कॉल्ड द एफ्लुएंट। तो इट इज द मैटर दैट इज डिस्चार्ज्ड इनटू द वाटर बॉडीज एज अ सॉल्यूशन, पानी के अंदर उसका सॉल्यूशन ही होता है और उसको साथ बहा देते हैं। तो दिस वेस्ट प्रोडक्ट में बी इन द फॉर्म ऑफ वेस्ट हीट, पानी गर्म भी हो सकता है, होता नहीं होता इंडस्ट्री से गर्म पानी जो आपके इंडस्ट्रियल यूनिट्स को ठंडा कर रहा होता है उसको दरिया में बहा रहे होते हैं। इट में बी इन द फॉर्म ऑफ वेस्ट हीट, स्मोक, धुएं की शक्ल में, सॉलिड और वेस्ट वाटर एफ्लुएंट्स, वो ठोस फासद मादा भी हो सकता है और लिक्विड की फॉर्म में भी हो सकता है। दीज वेस्ट में कंटेन हाई टॉक्सिक कंपाउंड एंड हैवी मेटल्स। इन वेस्ट के अंदर बहुत ही ज्यादा जहरीले मरकबात या बहुत ही ज्यादा हैवी मेटल्स, हैवी मेटल्स कौन कौन सी हैं, प्लाडियम है, कैडमियम है, क्रोमियम है, मरकरी है, आर्सेनिक, एस्टेबियम यानी एंटीमोनी, ये हैवी मेटल्स हैं। बट दीज टॉक्सिक सब्सटेंसेस कॉज सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स, ये बड़ी ही संगीन किस्म के सेहत के मसाइल पैदा करते हैं, सच एज नर्वस डिसऑर्डर, लोगों का दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं रहता, एनीमिया, खून की कमी, हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है, किडनी डिजीजेस, गुर्दों की बीमारियाँ, नोएजिया, क्या होता है नोएजिया, स्पेलिंग क्या है नोएजिया की, बीमारी का एहसास होना, बाहर का बंदा बैठा बैठा उसका दिल खराब होता है, उल्टियों वाला दिल हो जाता है, दिल खराब होने को नोएजिया कहते हैं, समझ आ नहीं है, नोएजिया इसे दिल खराब होगा, और जी डिजीनेस, सुस्ती आएगी एंड कैंसर, इट मे कॉज कैंसर।
इंडस्ट्रियल यूनिट्स जनरली डिस्चार्ज देयर वेस्ट आइदर टू ओपन लैंड और इनटू वाटर बॉडीज। इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो हमारे सनती यूनिट्स हैं या जो हमारे कारखाने हैं, जनरली आम तौर पर डिस्चार्ज छोड़ देते हैं देयर वेस्ट, अपने जो फजला जात हैं, जो उनके गंदे मादे हैं उनको, आइदर टू ओपन लैंड या तो खुली ज़मीन पर और इनटू द वाटर बॉडीज, या जो वाटर बॉडीज़ हैं या जो पानी के ज़खायर हैं, जैसे दरिया हो गए, झीलें हो गई, आगे उसकी एग्जांपल्स दी हुई हैं, लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर्स और ओशंस, तो ये वाटर बॉडीज़ हैं। वाटर फ्रॉम लेदर टैनरीज, लेदर टैनरीज जो हैं इससे मुराद चमड़ा कमाने की फैक्ट्रियाँ, जहाँ पे जो चमड़ा है उसे प्रोसेस करके उसकी मोस्ट प्योरेस्ट फॉर्म में, ये कह दिया जाए कि इस फॉर्म में लाया जाता है कि चमड़ा यूज़ किया जा सके मुख्तलिफ जगहों पर। वाटर फ्रॉम लेदर टैनरीज, जो चमड़ा बनाने के कारखाने हैं वहाँ से पानी जो है कंटेन लार्ज क्वान्टिटीज ऑफ क्रोमियम सिक्स सॉल्ट। तो लेदर टैनरीज या चमड़ा कमाने की जो फैक्ट्रियाँ हैं वहाँ से जो पानी हम लोग छोड़ते हैं लेक्स में, पॉन्ड्स में, रिवर्स में या ओशंस में, तो उस पानी में मौजूद होती है लार्ज क्वान्टिटीज, बहुत बड़ी मकदारें मौजूद होती हैं ऑफ क्रोमियम सिक्स सॉल्ट। ये क्रोमियम का एक आयन है, जिस साल्ट में क्रोमियम सिक्स मौजूद होगा उसे क्रोमियम सिक्स सॉल्ट हम कहेंगे। इसमें क्रोमियम एक मेटालिक एटम होता है और उसके ऊपर पॉजिटिव सिक्स चार्ज होता है। क्रोमियम सिक्स आयंस आर हाईली टॉक्सिक, जो क्रोमियम सिक्स आयंस होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा जहरीले होते हैं एंड नोन टू कॉज कैंसर, और इन्हें जाना जाता है बतौर कैंसर कॉज करने वाले या पैदा करने वाले आमिल के। तो ये जाने जाते हैं एज ए कार्सिनोजन, यानी कैंसर कॉज करने वाले एजेंट्स के तौर पर। इंडस्ट्रियल वेस्ट कॉज इरिवर्सिबल डी जनरेशन ऑफ एनवायरनमेंट, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है वो पैदा करता है नाकाबले वापसी डी जनरेशन ऑफ एनवायरनमेंट, माहौल की जो तबाहकारी है या शिकस्त व रेख्त है, कॉजिंग सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स, और इससे पैदा होती हैं बहुत ही संगीन किस्म की सेहत के मसाइल जो है वो पैदा होते हैं फॉर पब्लिक एंड मेरिन लाइफ, आवामी जिंदगी के लिए और आबी जिंदगी के लिए। प्रॉब्लम किसी को अब दुकानदार से ये पूछ ले कि वाई रॉ वाटर शुड बी ट्रीटेड बिफोर ड्रिंकिंग, वाई जो वेस्ट वाटर है उसको क्यों हमें ट्रीटमेंट करनी चाहिए उसकी, तो ये है, वाटर ट्रीटमेंट इज एसेंशियल फॉर मैनी रीजंस। थ्रू वाटर प्योरिफिकेशन वी कैन अवॉइड ड्रिंकिंग इम्प्योर एंड कॉन्टेमिनेटेड वाटर। पहला फायदा तो ये है कि थ्रू वाटर प्योरिफिकेशन पानी को खालिस बनाकर, पानी को फिल्टर कर वी कैन अवॉइड, हम बच सकते हैं किससे, पीने से इम्प्योर वाटर, ना खालिस पानी या आलूदा पानी, कॉन्टेमिनेटेड वाटर आलूदा पानी, विच कॉजेज मैनी एपिडेमिक डिजीजेज एंड अनसेफ फॉर हेल्थ, जो पैदा करता है बहुत सारी वबाई बीमारियां, वबा क्या होती है, एक से दूसरे को लगेगी एंड अनसेफ फॉर हेल्थ, हेल्दी लाइफ, और वो क्या होता है, वो सेहत बख्श जिंदगी के लिए भी क्या होता है, फायदेमंद नहीं होता, महफूज नहीं होता। समझ आ गया, पहला फायदा वी कैन अवॉइड ड्रिंकिंग इम्प्योर एंड कॉन्टेमिनेटेड वाटर दैट कैन कॉज द एपिडेमिक डिजीजेज एंड इज एपिडेमिक डिजीजेज तक भी टेकन एंड इज अनसेफ और अनफिट फॉर द हेल्दी लाइफ। इट रिमूव्स बैक्टीरिया, वायरसेस, ठीक है, पैरासाइट्स। अब इससे क्या होता है, पहले में है ये सारा कुछ के आपको एपिडेमिक डिजीजेज नहीं लगेंगे। अब पानी की सफाई से होता क्या है, ट्रीटमेंट से होता क्या, किससे बैक्टीरिया अलग हो जाते हैं, वायरसेस अलग हो जाते हैं, पैरासाइट्स अलग हो जाते हैं, ठीक है। प्लाज्मोडियम एक पैरासाइट है, आपके लीवर में जाकर रहता है और आपको आपकी डेथ का बाइस बनता है। तो पैरासाइट्स, वायरसेस, बैक्टीरिया सब खत्म हो जाते हैं, विच में कॉज डायरिया, जो क्या कॉज कर सकते हैं, डायरिया, खराब खाना खास, ठीक है, गोश्त के खाने से इंसान के जिसम में जहर का फैल जाना, ये जहरीला बन, फूड पॉइजनिंग, बोचुलिज्म, दिस इज द फूड पॉइजनिंग, खासतौर पर गोश्त के खाने से जिसम में जहर का फैल जाना, कॉन्टामिनेटेड फूड के खाने से। क्लियर है या नहीं? सो जनाब, टाइफाइड, कोलेरा, पोलियो एंड हेपेटाइटिस, ये बहुत सारी बीमारियों के नाम है जो कि वाटर बॉर्न डिजीजेज हैं, तो इन सब से आपकी जान छूट सकती है। क्लियर हो गया? इट ऑल्सो रिमूव्स हैवी मेटल्स, ये हैवी मेटल्स को रिमूव करेगा, आर्सेनिक है।
So this BS is not in the periodic table. It may be the bismuth, arsenic, bismuth PI, chromium, plumbum, lead, which may cause long-term neurological problems. So ye neurological problem kya hote hain? Neurology. This is related to brain. नहीं समझे ब्यूचरिज्म क्या था फूड पॉइजनिंग ठीक है न्यूरोलॉजिकल दिमागी मसाइल इल्म आसाब या उससे मुतल्लिक आसाब से मुतल्लिक ठीक है इट मे कॉज द न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स लॉन्ग टर्म मतलब दिमागी तवाज़ुन देर तक खराब रहेगा किडनी डिजीजेज नोइजिया डिजीनेस एंड कैंसर ये तो बता चुका हूँ इट ऑल्सो इम्प्रूव द फ्लेवर एंड अपेयरेंस इससे पीने के पानी का जायका भी अच्छा हो जाएगा और दिखने में भी वो अच्छा लगेगा आपको तो ये उसके फायदे हैं समझ आए उसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं तो पहला ये वी विल अवॉइड ड्रिंकिंग इम्प्योर एंड कॉन्टेमिनेटेड वाटर दैट मे कॉज द एपिडेमिक डिजीजेज इट इज अनसेफ फॉर द हेल्दी लाइफ फिर इट रिमूव द बैक्टीरिया मतलब जो आपके आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म डिजीज कॉजिंग लिविंग पैथोजेंस को रिमूव करेगा पैथोजेंस को अब पैथोजेंस में आपके बैक्टीरिया पैथोजेंस क्या है वो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आप में बीमारियां फैलाते हैं उन्हें पैथोजेंस कहते हैं तो बैक्टीरिया को रिमूव करेगा वायरसेस को रिमूव करेगा पैरासाइट्स को रिमूव करेगा जो डायरिया कॉज करते हैं और डायसेंट्री ब्यूचरिज्म ब्यूचरिज्म किसी ऑर्गेनिज्म से नहीं होता कोई इन्फेक्शियस डिजीज नहीं है बल्कि ये फूड पॉइजनिंग जो किसी केमिकल की वजह से होती है उसकी वजह से ये कॉज होता है कोलेरा पोलियो हेपेटाइटिस इट आल्सो रिमूव्स हैवी मेटल्स लाइक आर्सेनिक बिस्मिथ क्रोमियम ये बीएस जो है ये बीआई है असल में एंड प्लम्बम विच कैन कॉज लॉन्ग टर्म न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स किडनी डिजीजेस नोइजिया डिजीनेस एंड कैंसर इट आल्सो इंप्रूव्स द फ्लेवर एंड अपीयरेंस ऑफ द वाटर रॉ वाटर ट्रीटमेंट जी पानी को ट्रीट करने के फायदे ये हैं और रॉ वाटर ट्रीटमेंट कैसे की जाती है द रॉ वाटर इज ट्रीटेड इन द म्यूनिसिपल वाटर प्योरीफिकेशन प्लांट टू मेक इट फिट फॉर द ड्रिंकिंग एंड डोमेस्टिक पर्पस जो आपको ज़मीन से पानी मिलता है ना खाम पानी इसको कहते हैं जो ज़मीन से हासिल होता है आपको तो इसको रॉ वाटर कहते हैं तो इसको म्यूनिसिपल प्लांट के अंदर क्यों प्योरीफाई किया कैसे प्योरीफाई किया जाता है इसको कैसे खालिस बनाया जाता है इसकी जो तलखीस है वो कैसे की जाती है टू मेक इट फिट फॉर द ड्रिंकिंग एंड डोमेस्टिक पर्पसेस लेकिन उसकी तलखीस का मकसद यही होता है कि इसको पीने के काबिल और घरेलू इस्तेमाल के काबिल बनाया जा सके वेरियस स्टेजेस इन दिस ट्रीटमेंट आर जो मुख्तलिफ मराहिल हैं इस ट्रीटमेंट के वो मैं दर्जा ज़ाहिल है पहला क्या है सेडिमेंटेशन दूसरा क्या है कोएगुलेशन तीसरा क्या है फिल्ट्रेशन और चौथा है क्लोरीनेशन सेडिमेंटेशन में क्या होता है मैक्सिमम जो इलाके हैं उनको दरियाओं से पानी मुहैया किया जाता है किन से हाँ जी पीने का पानी कहाँ से दिया जाता है नहरों से दरियाओं से क्लियर हो गया अब जनाब जब पानी आता है ना तो उसको काफ़ी देर के लिए बहुत बड़े टैंक में खड़ा कर दिया जाता है बहुत बड़े टैंक में क्या कर दिया जाता है खड़ा कर दिया जाता है और जब पानी काफ़ी देर तक खड़ा रहता है तो जो उसके अंदर क्या होती कंकरियाँ सुन रहे हो कंकरियाँ वो आस्ता आस्ता क्या करती हैं तो पानी क्या हो जाता है मिट्टी से साफ हो जाता है नहीं समझे इस बात फिर जनाब फिर भी कुछ ना कुछ मिट्टी गदलापन रह जाता है तो फटकरी मिलाई जाती है क्या मिलाई जाती है पोटाश एलम फटकरी में एक सलाहियत है चिपचिपाहट पैदा करने की समझ आए फटकरी को पानी में डिजोल्व करके उसके अंदर फेंक दिया जाता है तो फटकरी क्या करती है अपने साथ जो गर्द यानी डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं वाटर में उनको चिपका के कहाँ बैठ जाती है जमीन में जेली लाइक मटेरियल बनाती है तो वो जेली जो होती है ना जो गदलापन जो डस्ट होती है वाटर के अंदर उसको लेकर नीचे बैठ जाती है पानी बिल्कुल क्या हो जाता है साफ हो जाता है इसे कोएगुलेशन कहते हैं नेक्स्ट आएगी फिल्ट्रेशन आपका किया जाएगा फिर भी कुछ बच जाए तो फिर उस पानी को कहाँ से पास कराया जाता है बजरी और रेत के फिल्टर से वो सफाई कर देते हैं इस पानी समझ आए जैसे स्पंज से पानी पास करवाओगे तो स्पंज क्या करेगा गर्द आगे जाने देगा नहीं रिमूव कर देगा तो फिर फिल्टर से पास करवाया जाता है एंड नेक्स्ट लास्ट पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो पानी के अंदर होते हैं बैक्टीरिया वायरसेस ये
फिर क्लोरीनेशन से उनको किल किया जाता है, उसके अंदर क्लोरीन मिलाई जाती है। लेकिन क्लोरीन मिलाने के फायदे कम नुकसान ज़्यादा, ये आपके गुर्दों को तबाह कर देती है, आपके स्टॉमिक को तबाह कर देती है। जरासीम तो मरते ही मरते हैं, लेकिन साथ बहुत सारी बीमारियाँ क्लोरीन भी कॉज करती है। समझो नहीं समझे? तो ये चार स्टेप्स हैं, चले आइए देखते हैं इनका। सेडिमेंटेशन क्या, इट इज द प्रोसेस इन विच वाटर इज अलाउड टू स्टैंड इन ए रिजर्वायर। समझ आ गया? ये वो अमल है जिसमें पानी को खड़ा रखा जाता है एक बहुत बड़े जखीरे में, ठीक है जी, बहुत बड़े टैंक में। द सस्पेंडेड मैटर, वो मैटर जो पानी के अंदर क्या होता है, मौलिक होता है, पानी के अंदर वो लटका हुआ होता है एक किस्म का, ना नीचे बैठता ना ऊपर आता, तो सिंक्स टू द बॉटम, वो आस्ता आस्ता कहाँ बैठ जाएगा, नीचे बैठ जाएगा। क्लियर हो गया? ये मैंने कहा था, सस्पेंडेड मैटर को पहले जमीन पानी की टैंक में बढ़ा के ऊपर से पानी को, साफ पानी को रिमूव करेंगे। कोएगुलेशन में क्या होगा, इट इज द प्रोसेस इन विच वाटर इज ट्रीटेड विद द स्लेक्ड लाइम हॉर्स ना। क्लार्क्स मेथड में हार्डनेस ऑफ वाटर को यूज करने के लिए इस्तेमाल किया था। बताया था बंदा कैसे कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर ये चूना है, इसमें क्या डाल दू, लाइम वाटर, मिल्क ऑफ लाइम क्या बन जाएगा, CaOH। नहीं समझे? तो ये स्लेक लाइम और एलम पटकरी क्या होता है, पोटाशियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। समझ आया नहीं है? इनमें पोटाशियम भी होती है और एल्यूमिनियम का सिलिकेट, सिलिकेट नहीं सल्फेट, पोटाशियम एलम जो है ये पोटाशियम एल्यूमिनियम सल्फेट है। और इसमें मेरे ख्याल में पानी के कितने वाटर होते हैं, मुझे अभी इसका एग्जैक्ट मामला याद नहीं है, पोटाशियम एल्यूमिनियम सल्फेट और इसमें हाइड्रेशन के कितने मॉलिक्यूल्स थे, ये इसमें वाटर के 12 मॉलिक्यूल्स होते हैं, कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, 12 मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। तो ये मिलाई जाती है, आगे चलूं तो ये जो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और पोटाश एलम है, दीज मटेरियल्स रिएक्ट टू फॉर्म ए जिलाटेनियस मैस ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो KaAlSO4O2, ठीक है, हमें डबल सॉल्ट है पोटाशियम सल्फेट और एल्यूमिनियम सल्फेट का। तो जो एल्यूमिनियम सल्फेट है इसमें से क्या होगा, एल्यूमिनियम कैल्शियम की जगह आ जाएगा और क्या बनेगा, AlOH3। सेकंड में, इट द प्रोसेस इन विच वाटर इज ट्रीटेड विद द स्लेक लाइम एंड एलम, दीज मटेरियल्स रिएक्ट टू फॉर्म व्हाट, ए जिलाटेनियस मैस ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ये दोनों मिलते हैं, हम ये कर लेते हैं, क्या होता है जी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ एल्यूमिनियम सल्फेट एलम, क्या आएगा AlSO4O2, यहां पोटाशियम आएगा फिर KOH भी बनेगा। लेकिन आई वॉन्ट टू टेल यू एल्यूमिनियम सल्फेट हम ले लेते हैं, AL2SO4O3। एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है ना, हमने 3 डाल दिया और सल्फेट की वैलेंसी 2 होती है, हमने यहाँ पे 2 डाल दिया, मसाला किसी, ठीक है। वो जो वो फार्मूला आप देख रहे हैं ना, उसमें पोटाशियम की वैलेंसी कितनी है, +1, एल्यूमिनियम की कितनी है, +3, 1 + 3 कितना हुआ, 4, और सल्फेट की वैलेंसी कितनी होती है, 2, 4 हो गया, ये 2 हो गया, 2 1 2 इनको ऐड करें तो 4 आता है, 2 to the 4 ये 2 यहाँ जाएगा, तो KaAlSO4O2। अब इसको ये भी लिखते हैं K2SO4.AL2SO4O3। तो ये जो एल्यूमिनियम सल्फेट है, ये एल्यूमिनियम, इसको यू भी लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटन लाइक दिस। समझ आया? ये शॉर्ट फॉर्म है, इसको अब ये डबल सॉल्ट है असल में, ठीक है, इसको अब यू भी लिख सकते हैं। तो ये जो एल्यूमिनियम सल्फेट है पोटाश एलम में, ये इसकी बात कर रहा हूँ, ये शॉर्ट फॉर्म लिखी है इसकी, ठीक है। एल्यूमिनियम सल्फेट जो है जनाब, ये रिएक्ट करता है किसके साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ले लेता है और कैल्शियम किसको ले लेता है, सल्फेट को ले लेता है। तो क्या बनेगा, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 और हाइड्रोक्साइड की क्या होती है, 1, तो यहाँ पे AlOH3 आ जाएगा प्लस कैल्शियम सल्फेट CaSO4, इसकी भी 2 है, इसकी भी 2 है।
अब ये जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बना ये चिपकने वाला मात्रा होता है, जेल लाइक मटेरियल होता है। क्लियर हो गया? तो दोबारा पढ़ लें, कोएगुलेशन में क्या होता है जी? वैसे आपने प्रोटीन की डीनेचरिंग में भी कोएगुलेशन पढ़ी थी, याद है? एल्ब्यूमिन जब आप अंडा बॉयल करते हैं तो वो ठोस हो जाता है अंडा, है ना? पहले लिक्विड टाइप होता है। जवाब नहीं देते आप लोग क्लास में। तो दैट हार्डनिंग और सॉलिडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन ऑन हीटिंग और चेंज ऑफ बिकॉज ऑफ चेंज ऑफ पीएच वैल्यू इज कॉल्ड कोएगुलेशन। तो यहाँ पे भी क्या होगा? प्रतिक्रिय कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करके किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? एक जेली लाइक मटेरियल जो कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है। सुन रहे हो? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जितनी भी गर्द पानी के अंदर, फिर भी गदला रहता है पानी, तो पानी के अंदर जो गर्द के पार्टिकल्स हैं उनको अपने साथ चिपका कर नीचे बैठे। तो इट इज द प्रोसेस इन विच वाटर इज ट्रीटेड विद द स्लेक लाइम CuHO2 एंड एल्यूमिनियम सल्फेट दैट इज द पोटाश एलॉय। मसला कीजिए। दीज मटीरियल रिएक्ट टू फॉर्म ए जिलेटिनियस मैस ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ये मटीरियल आपस में मिलते हैं एक चिपकने वाला मादा बनाने के लिए आप एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर हो गया? ये मैंने बता भी दिया साहब, ठीक है। फिल्ट्रेशन किया जी, दोबारा कर दूं या ठीक है? पोटाश एलम में एल्यूमिनियम सल्फेट है, एल्यूमिनियम सल्फेट ने CuHO2 के साथ रिएक्शन करके डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ले लेगा और एल्यूमिनियम सल्फेट ले लेगा, रिएक्शन कंप्लीट। अब जी एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड पार्टिकल्स इन बैक्टीरिया, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के ये चिपका लेता है। जैसे मिसाल के तौर पर आपने शायद चींटी आके चूसना शुरू करती है, अगर थोड़ी सी और आगे हो जाए तो चींटी उसके साथ चिपक जाती है और मर जाती है, नहीं इज़न्ट इट? वही खुराक उसकी मौत का बायस बन जाती है, चूहे चला ही नहीं जाता, चिपक जाती है उसके साथ। क्लियर? यही बात मैं आपको समझा रहा हूँ कि जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है ये जेली लाइक मटेरियल है, गर्द तो इसके साथ अंदर चिपक जाएगी, साथ ही साथ ये किसको चिपका लेता है? आटा ना, आटा उसको जब जमीन पर फेंकते तो उसके साथ मिट्टी क्यों चिपक जाती है? उसके अंदर चिपकने वाला मादा मौजूद है। सिमिलरली जब ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड पानी के अंदर जाता है तो ये तो चिपकने वाला मादा है, ये क्या करेगा? क्या करेगा? गर्द को अपने साथ चिपकाएगा, जो बैक्टीरिया उनको भी अपने साथ चिपका के कहां बैठ जाएगा? इट विल सेटल डाउन। तो द एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड कैरीज डाउन डर्ट पार्टिकल्स एंड बैक्टीरिया। ओके, फिल्ट्रेशन में क्या होगा? द वाटर इज देन फिल्टर्ड थ्रू ए सैंड ग्रेबल, बजरी समझते हो? एक बहुत बड़ा टैंक होता है जिसके अंदर बजरी होती है, और जैसे मैं बता दूं ये यहां से इसके अंदर पानी डाला जाएगा, सुन रहे हो नहीं सुन रहे? और इसके अंदर क्या भरी हुई है? रेत और बजरी। अब मैं कहां बनाऊं बड़ा टैंक? यहाँ ऊपर से पानी आ रहा है, इस बड़े से टैंक में आपने क्या डाला हुआ? बजरी और रेत, और इसके नीचे एक स्पंज की लेयर ताकि बजरी और रेत नीचे ना जाए। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो क्या होगा? ऊपर से पानी डालते हैं। अब देखो रेत में से कभी कभी जब पानी, मिट्टी वाला पानी रेत पे पड़ता है तो रेत के ऊपर मिट्टी जम जाती है, मिट्टी ऊपर रह जाती है और पानी नीचे चला जाता है, ऐसा ही है ना? सो जनाब जो मिट्टी छिट्टी होती है वो रेत और बजरी के अंदर फंस जाती है और पानी इसके अंदर से निकल जाता है। समझ आया नहीं है? तो यहाँ पे आपको क्लीन वाटर मिलता है। सो द वाटर इज देन फिल्टर थ्रू ए सैंड एंड ग्रेवल फिल्टर, समटाइम्स इट फिल्टर थ्रू द चारकोल टू रिमूव द कलर्ड एंड ऑडोरस कंपाउंड्स, और बाद का क्या किया जाता है? इसको फिल्टर किया जाता है किसके जरिए से? चारकोल के जरिए से। अब चारकोल क्या है बच्चे? कोयले को हवा की मौजूदगी, हवा की सॉरी अदम मौजूदगी में गर्म करने से, या लकड़ी को हवा की अदम मौजूदगी में गर्म करने से एक स्पंज लाइक मटेरियल मिलता है जिसको चारकोल कहते हैं। दिस इज ए फॉर्म ऑफ कार्बन, बहुत हल्का होता है लेकिन ये क्या करता है? जैसे आप इसको डाल के ना पानी के अंदर, पानी को बॉयल, पानी में डिजॉल्व नहीं होगा, पानी को बॉयल करेंगे तो ये जो कलर्ड कंपाउंड होंगे ना पानी में, उनको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा और पानी को साफ कर देगा। समझ आया नहीं है? तो चारकोल की ये सिफ्त होती है कि वो अपने अंदर जो पानी के अंदर डिजॉल्व कलर कंपाउंड्स होते हैं उनको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और पानी को साफ कर लेता है। तो समटाइम इट इज फिल्टर थ्रू द चारकोल टू रिमूव द कलर्ड एंड ऑडोरस, बू पैदा करने वाले जो मरकबात है उनको रिमूव करने के लिए, और जो रंग पैदा करने वाले मरकबात है उनको रिमूव करने के लिए चारकोल के साथ भी इसको फिल्टर किया जाता है। अखीर बैक क्लोरीनेशन, पहला क्या था? सेडिमेंटेशन आसान था, कोएगुलेशन भी समझ आ गया, फिर क्या हुआ?
फिल्ट्रेशन में सैंड ग्रेवल के फिल्टर से पास करवाना या चारकोल के साथ हीटअप करना ताकि जो कलर्ड और ऑडरस कंपाउंड है वो भी रिमूव हो जाए। और लास्ट में क्या पानी में क्लोरीन मिलानी है, क्या मिलानी है, इन द फाइनल स्टेप क्लोरीनेशन इज सॉरी क्लोरीन इज एडेड टू किल एनी रिमेनिंग बैक्टीरिया। आखिर पर क्लोरीन डाल दी जाती है पानी में बैक्टीरिया को मारने के लिए। क्लोरीन रिएक्ट टू फॉर्म द हाइपोक्लोरस एसिड विच किल्स बैक्टीरिया। ये होता है क्लोरीन Cl2 जब वाटर से मिलती है, सुन रहे हो, तो एक बनेगा HCl और दूसरा बनेगा HOCl, बना नहीं बना। अभी जो हाइपोक्लोरस एसिड है ये फिर डिकम्पोज होता है और इससे एटॉमिक ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है। कौन सी ऑक्सीजन? ये एटॉमिक ऑक्सीजन बैक्टीरिया को किल करती है। किसको किल करती है? अगर बैक्टीरिया का सत्यानाश करती है तो क्या यही पानी के जरिए से इंसान के जैसे में नहीं जाएगी? जाएगी। क्या वहां जाके इंसान के जो आजाए उनको नुकसान नहीं पहुंचाएगी? इंसान में मैक्सिमम जो आजकल भांजपन की बीमारी पैदा हो रही है इस एटॉमिक ऑक्सीजन की वजह से हो रही है, स्टेरिलिटी की जो बीमारी है, बच्चे पैदा नहीं हो रहे इंसानों के, किस लिए नहीं हो रहे? इस एटॉमिक ऑक्सीजन की वजह से। कॉज ये है, समझ आया नहीं है? जो स्पर्म की जो क्रिएशन है, जो उनकी पैदाइश है, वो रुक जाती है सिर्फ इस एटॉमिक ऑक्सीजन की वजह से। किडनी की डिजीजेज होती हैं इस एटॉमिक ऑक्सीजन की वजह से। ये हमेशा फायदेमंद नहीं होती, समझ आया नहीं है? सो देयरफॉर अब इसको रोका जा रहा है। आगे चले, सो इन द फाइनल स्टेप क्लोरीन इज एडेड टू किल रिमेनिंग बैक्टीरिया। क्या करेंगे? रिएक्शन सुन ले गौर से। वाटर किस फॉर्म में? एच और OH में क्लोरीन मिलाई Cl2, ये Cl2 है। एक क्लोरीन HCl बना देगी और दूसरी HOCl बना देगी। HOCl डिकम्पोज होके HCl और एटॉमिक ऑक्सीजन देगा एंड दिस विल किल द बैक्टीरिया। क्लोरीन रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म हाइपोक्लोरस एसिड HOCl या HClO विच किल्स बैक्टीरिया विद द हेल्प ऑफ दिस एटॉमिक ऑक्सीजन दैट इट कंटेन्स। ओके, तो ये पूरा स्टेप प्रोसेस यहाँ लिखा हुआ रॉ वाटर के ट्रीटमेंट का। आप जो वाटर है आप पी सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है ये भी आपको सेहत देगा, ये भी आपके लिए बीमारियां पास कर सकता है क्योंकि आपने केमिकल मिलाया आखिर में। बैक्टीरिया तो किल हो गए, तो आप ही तो जानदार हो, आप किल नहीं हो सकते। सो सेडिमेंटेशन पहला है, फिर कोगुलेशन है, फिर फिल्ट्रेशन है और फिर क्लोरीनेशन है, और ये प्योर वाटर है जी। पूरे प्रोसेस को अगर फ्लो डायग्राम की मदद से शो करने का कहें कि हाँ जी, मेक द फ्लो शीट डायग्राम ऑफ फॉर वाटर प्योरिफिकेशन प्लांट, तो यू विल हैव टू राइट दिस रॉ वाटर के ट्रीटमेंट के लिए। आपका इनपुट रॉ वाटर होगा, सुन रहे हो, और जो आउटपुट है वो प्योर वाटर होगा।